नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज का इस वीडियो में बात करेंगे, आप जब भी अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो भी सेटिंग करते हैं यूट्यूब चैनल पर, जो क्रिएटर स्टूडियो पर, उसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेटिंग को कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसका हैंडलिंग कैसे करें, उसमें आपको कस्टमाइज चैनल क्या होता है, आपको मैनेज वीडियो क्या होता है, कस्टमाइज चैनल का काम क्या होता है, मैनेजमेंट वीडियो का काम क्या होता है, उस कैसे काम करता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को देखने के लिए मैं मेरा फोन के स्क्रीन पर चलता हूँ, आपको इसके बारे में पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ, वो कैसे काम करता है, नहीं करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। फोन के स्क्रीन पर अभी आ चुका हूँ। अभी हम गूगल क्रोम ब्राउजर पर ओपन करेंगे, अभी देखेंगे हमारा जो क्रिएटर स्टूडियो, क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करेंगे। क्रिएटर स्टूडियो पर हमारा जो कस्टमाइज चैनल आपका जो, और जो आपको मिल जाता है मैनेज वीडियो, काम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जानने के लिए यहाँ पर मैं सर्चिंग का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग होता है, क्या क्या नहीं, उसके बारे में यहाँ से हम देखेंगे पहले ऑप्शन पर। अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अभी देखिए ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम पहले ऑप्शन पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे कस्टमाइज चैनल का काम क्या होता है, उसका सेटिंग क्या होता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट होकर हमारा जो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो ये ओपन हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ओपन हो जाएगा। अभी देखिए आपके सामने क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको चैनल को कस्टमाइज वगैरह बना सकते हैं। नीचे आपका जो टॉप रैंक, जो टॉप ट्रेलर्स वीडियो, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप टॉप जो भी वीडियो को यहाँ से सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से ऊपर में कर सकते हैं, नहीं तो नीचे भी आपका जो भी वीडियो को करना चाहिए कर सकते हैं। नीचे यहाँ से फ्यूचर सीक्रेट मिल जाएगा, यहाँ से आपको वीडियो वगैरह मिल जाता है। यहाँ से आपको लेआउट पर, ब्रांडिंग पर क्लिक करेंगे तो ब्रांडिंग पर क्या क्या सेटिंग मिलता है अभी देखेंगे। ब्रांडिंग पर आपको चैनल का लोगो मिल जाता है। यहाँ से आपको चैनल का लोगो भी, आपको पिक्चर दिखे नीचे लिखा हुआ, आपका चैनल का लोगो वगैरह यहाँ से आपको मैनेजमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं। नीचे यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है चैनल का बैनर, यहाँ से आपको चैनल का बैनर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ से नीचे यहाँ देख सकते हैं वीडियो वाटर मार्क, जो भी वीडियो वाटर मार्क का वीडियो है यहाँ से आपका लगा सकते, यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा पब्लिश का, यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या दिया है उसके बारे में जानेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन है, नाम वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ से एडिटिंग करके। जैसे कि मेरा डिस्क्रिप्शन पर मेरे चैनल का नाम दे चुका हूँ। नीचे यहाँ से आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो कि आपके आपका चैनल का यहाँ पर URL मिल जाएगा। नीचे यहाँ से आपको कस्टमर URL मिल जाएगा, जो भी आपका कस्टमर URL नहीं होता तो यहाँ सब आप अप्लाई करके कस्टमर URL बना सकते हैं। यहाँ से आपको नीचे मिल जाएगा चैनल का लिंक, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जो भी चैनल का लिंक यहाँ से ऐड करना चाहते हैं दूसरे चैनल का, यहाँ से ऐड वगैरह कर सकते हैं। नीचे यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आपका email ID, आपका रिकवरी करने के लिए जो भी email ID आपको देना चाहिए, रिकवरी यहाँ से यूज करके रिकवरी ईमेल दे सकते हैं। यही होता है आपका चैनल का जो कस्टमाइज सेटिंग। अभी इसको थोड़ा बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद अभी देखेंगे कि हमारा जो वीडियो मैनेजमेंट है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि मैनेज वीडियो, मैनेज पर वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। मैनेज वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा जो वीडियो वगैरह जो भी आता है यहाँ से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं हम। अभी देखिए मैनेज वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका वीडियो को मैनेजमेंट आ चुका है। यहाँ से आपको क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो चुका है, इसके मदद से आपका वीडियो का जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं इसके मदद से वीडियो को हर चीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। नीचे यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा होम का, यहाँ से होम का क्लिक करके आप होम पेज जा सकते हैं। आपका जो होम पेज पर जो भी वीडियो वगैरह आता है यहाँ से होम पेज पर वीडियो वगैरह देख सकते हैं। साइड में आपको आता है वीडियो, वीडियो पर क्लिक करके आपका टोटल जो वीडियो वगैरह आता है यहाँ से वीडियो वगैरह देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको कितना प्ले लिस्ट है यहाँ सब प्ले लिस्ट को भी वगैरह देख सकते हैं।
यहाँ से आपको कम्युनिटी पर क्लिक करके कम्युनिटी पर कितना आपको पोस्ट किए हैं उसके बाद ही कम्युनिटी पर देख सकते हैं। चैनल्स पर सेटिंग करके यहाँ से चैनल को आप एनालिसिस कर सकते हैं। अबाउट अस पर क्लिक करके अबाउट अस को आप देख सकते हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या नहीं, उसके बाद ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सेटिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको सेटिंग करके आपको यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो सकता है, अच्छी क्वालिटी से चल सकता है। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपका यूट्यूब चैनल का जो भी कस्टमाइज चैनल है, मैंने सेटिंग वीडियो है, आपका यूट्यूब चैनल का जो भी होम पेज है उसको सेटिंग करके और लाखों रुपया कमाइए और लाखों रुपया इनकम करिए। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।